नमस्कार वैभव सोनिया टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दो साल से अधूरा पड़ा प्रधानमंत्री आवास, सरपंच को 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराने की दी गई चेतावनी, नहीं तो होगी FIR। दिनांक 14 फरवरी 2019। कोटा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत खोंसरा के आश्रित गांव तुमा डबरा के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास पर सरपंच पति द्वारा डकारने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत खोंसरा में 2018-19 में स्वीकृत होकर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासियों के पास आई, लेकिन प्रधानमंत्री आवास को सरपंच गिराजबाई पोरते पति संत राम पोरते द्वारा हितग्राहियों से आवास बनाने के नाम से लिया गया। लेकिन आवास को सरपंच पति द्वारा निर्माण तो कराया गया, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी अधूरा का अधूरा रह गया है। वहीं बैगा आदिवासी हितग्राहियों का कहना था, सरपंच द्वारा अंगूठा लगाकर सभी 12 से 15 बैगा आदिवासी हितग्राहियों के खाते से पैसा निकाल लिया गया, लेकिन आवास निर्माण अधूरा कर निर्माण दोबारा नहीं कराया जा रहा। पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत खोंसरा के आश्रित गांव तुमा डबरा में सरपंच द्वारा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों से सरपंच पति द्वारा प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना का पूरी किस्त की स्वीकृति राशि की विड्रॉ फॉर्म में अंगूठा लगाकर निकाल लिया गया, जिससे आवास अधूरा रह गया। हितग्राहियों की राशि हड़प लेने के बाद भी नहीं किया गया पूरा निर्माण। वहीं जब इस मामले की जानकारी मीडिया द्वारा जनपद पंचायत CEO संध्या रानी कुर्रे के संज्ञान में आने के बाद 15 दिवस में कार्य पूर्ण किए जाने का सरपंच को मोहलत दिया गया है। कार्य को 15 दिवस के भीतर नहीं कराए जाने पर सरपंच के खिलाफ FIR कराए जाने की बात कही है। अब पूरा खारिज हो गया है उसका, मतलब पूरा किस्त निकल गया है। कौन बनवाया बता? सरपंच मतलब गिरजा भाई। क्या बोलते हैं आप पूरा बनाने के लिए? अब पूरा बनाने के लिए अब बोल रहा हूँ तो कहते अब सामान वामान तेरे को दे देता हूँ तो छाप ले, मतलब प्लस्तर वलस्तर कर ले, तो मैं अब कहाँ बनाऊँगा। किसके नाम से है? पिताजी के नाम से, रूप सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अघन है। सरपंच सचिव से मेरी बात हुई है तो उस संबंध में उनका कहना है कि नदी के उस पार होने के कारण उसमें प्रक्रिया में थोड़ा सा स्लो हुआ है, बाकी 15 दिवस के भीतर वो पूर्ण कर लेंगे आवास। सरपंच के द्वारा सीमेंट और बाकी सामग्री मंगा के रखी गई है, 15 दिवस के भीतर यदि अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उनका कार्यवाही होगी। क्या कार्यवाही रहेगी 15 दिन? देखिए, अगर किसी ने आवास पूर्ण करने का ठेका लिया हुआ है और यदि वो आवाज़ पूर्ण नहीं कर रहा है तो बिल्कुल वो अगर राशि का दुरुपयोग हो रहा है, राशि दुरुपयोग होने के लिए फिर उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई तो होगी। साथ में अगर हम चाहें तो हम उनको एफआईआर भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।